अक्सर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में समझे होते हैं कि जहाँ पे हम अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, हम इजाफी मेहनत नहीं करना चाहते, वो जगह कम्फर्ट जोन। हम लाइफ के अंदर कम्फर्ट जोन की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तबाहियां सिर्फ कम्फर्ट जोन की वजह से आती है। हम कहते हैं वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ आज तक वक्त के साथ साथ? अगर हमने जब तक कुछ नहीं किया तब तक बेहतर नहीं होगा। वक्त गुजरता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, तकलीफें बढ़ती रहेंगी, रिश्ते कोल्ड होते रहेंगे, रिश्ते ठंडे हो जाएंगे और फिर इख्तलाफात होंगे, फिर दूरियां होंगी। वक्त सिर्फ दरख्त को बढ़ने में मदद देता है, दरख्त बढ़ता रहेगा, इंसान तबाह हो जाएगा, इंसान कुछ नहीं रहेगा। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। कभी भी हम बगैर कुछ करे कुछ नया हासिल नहीं कर सकते। अपने जगह से हिल कर दूसरी जगह नहीं जा सकते कि मुझे आप गोदम उठाने का रुमाल दे, एक दफा ले जाएंगे बार बार तो नहीं ले जाएंगे, एक दफा तो मुश्किल होगा मुझे गोदम उठाने का। सॉरी मैंने मोबाइल लड़ाई से काम लिया। तो कम्फर्ट जोन से निकल के हमें जाना है सक्सेस जोन। यहाँ पे हम यू होंगे और यहाँ पे हम यू होंगे। इतने टाइम लगेगा यहां से यहां आने में, रास्ता तो इतना ही है थोड़ा सा कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन के लिए, लेकिन सक्सेस जोन में इतनी आसानी से आया नहीं जाता। क्यों बहुत सारे लोग मोटिवेशनल सेमिनार सुनते हैं, क्यों बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों इतना कुछ समझना चाहते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये होती है, आप यूट्यूब पे देखें कितनी ट्रेनिंग भरी हुई है, कामयाबी का राज, सक्सेसफुल हो जाए, लोग सर्च करते रहते हैं, हैप्पीनेस मिलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। वीडियो देखने से इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अलबत्ता जो आपको बताया जा रहा होगा उसके अंदर आप उसकी बारीकियां समझें, और हर जगह आपको बताया जा रहा है एग्जीक्यूशन करें, एक्शन लें, काम करें, जो सोचें उसके लिए प्लान करें, और वो सारी चीजें कहाँ हो रही होती है? स्ट्रगल जोन के अंदर। हमें पहले गुजरना पड़ेगा स्ट्रगल जोन से। आपको याद है मैंने कहा कि पहले मैंने ट्रेनिंग ली बहुत सारी, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग ही आपको सीखने में मदद देती है किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा सीख कर वो काम कर सकेंगे जो हमें करना है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए तो हम सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। आपके पास सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, सारी ईंटें रखी हुई है, आपके पास प्लॉट नहीं है, इसलिए घर बनाना है। इंजीनियर भी एक से एक, मिस्त्री भी एक से एक, आपके पास क्या घर बना लेंगे आप? प्लॉट होना सबसे पहली शर्त है। सेम सक्सेस जोन में जाने से पहले आपका ड्रीम होना पहली शर्त है जिसके लिए मेहनत की जा रही है। वो ड्रीम क्या है? बहुत सारे लोग ड्रीम को ख्याली पुलाव समझते हैं कि यार ये सब बाग होते हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, ख्वाबों में महल बनाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मुझे बताएं एक नुकसान ख्वाबों में महल बनाने का। मैंने भी बनाया था ख्वाबों में, मुझे तो फायदा हुआ। ख्वाबों में महल बनाने का फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। बचपन से हमें ख्वाबों में महल बनाना सिखाया जा रहा होता है, मैट्रिक कर लो बस फिर देखो सुकून है जिंदगी में। मैट्रिक करते हैं बोला अच्छे नंबरों से कर लो, अच्छे कॉलेज हो जाएगा, फिर सुकून है बस, अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, अच्छी अच्छी परसेंटेज अच्छी डिग्री ले लो तो सुकून हो जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। चलो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया बस, अब बस यूनिवर्सिटी के चार साल निकालो, अच्छी जॉब लग जाएगी, सुकून हो जाएगा। अच्छी जॉब लग गई बस इसमें दिल लगा के काम करो, जॉब पक्की कर लो, फिर सुकून हो जाएगा। सुकून क्या होता है? शादी कर लेते फिर एक और साफ दिखाते हैं, बस यही बच्चे हैं इन्हीं के लिए करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ा दो सुकून हो जाएगा, फिर कब्र तक पहुंच जाते हैं सुकून ही सुकून। तो आज हम ये सोचेंगे वो सारी बातें जो नसल दर नसल से हम सुनते चले आ रहे हैं सुकून हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा जल्दी सुकून में कन्वर्ट कर दें। आपने मुंह भी छुपाया हुआ है मेहमान, ठीक है। तो अब अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें इस चीज में कि आज हम सही से स्ट्रगल कर लें, 6 से 7 महीने की स्ट्रगल कर लें, अपना इनकम लेवल इतना बढ़ा लें कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को दिलवा सकें, फैमिली के सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें, और कल को हम यही मुस्तकिल साइकिल ना चलाएं, अच्छा पढ़ लो अच्छा लिख लो अच्छी जॉब होगी सुकून हो जाएगा। उनको हम ये बताएं कि अच्छा पढ़ो लिखो शऊर होगा तुम्हें, चीजें देखने में समझने में गलत सही का फर्क पता चलेगा, बाकी बिजनेस स्टेबल है ये तुम्हारा बिल्कुल बिजनेस होगा अपना, तुम उसको रन करना, उसको ऑलरेडी उसको ये एहसास ही ना दिलाना जिंदगी में तुम्हें सुकून नहीं है, जो हमें बचपन से दिलाया जा रहा है फिर सुकून हो जाएगा, उसको यही एहसास हो कि पहले से ही सुकून था, हमारे वालिदैन ने
हम करके रखा हुआ है सुकून का, तो फिर आप खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो आपकी फैमिली बाद में आपके बिजनेस को रन करती रहेगी और आपको फिर सही से सुकून मिलेगा, दुआएं भी मिलती रहेंगी, आपने जितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की होगी वो उठते बैठते आपको दुआ दे रहे होंगे। आप सोचे जब मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, क्या मैं अपने स्पॉन्सर को दुआ नहीं देता हूँ, अपने भाई को दुआ नहीं देता हूँ जिन्होंने मुझे ऑरिजिन का बताया? अगर नहीं दूंगा तो मैं कुफ्रान नेमत करूंगा, नाशुकरी करूंगा। और अल्लाह ताला कहता है कि जिस शख्स जो शख्स मेरे बंदों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो हमें लाजमी उन लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का अहल समझ के हमें अपॉर्चुनिटी का बताया। और आप में जितने लोग जिन्होंने ऑरिजिन ज्वाइन किया हुआ है वेल डन, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ आई विश के वो कर लें समझ के। बट जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं अगर उनके स्पॉन्सर उनके साथ आए हैं तो उनको जरूर थैंक यू बोलिएगा, और जितने लोग जिनके स्पॉन्सर ने उनको सेंड किया यहाँ पे उनको भी जरूर थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों का पहल आपको समझा। यहाँ से जाने से पहले